राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं 8 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस। तो चोली से ही स्टार्ट करूँगी मैं, क्योंकि मैंने 12 नंबर की चोली तो डाली हुई है चैनल पे, बट 8 नंबर की नहीं डाली हुई है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने 22 डबल क्रोशिया ले लिए हैं। हम 21 चेन लेंगे, उसके बाद 21वीं चेन पर थंब रखने के बाद 3 चेन्स और लेंगे, तो हमारे 22 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। क्योंकि 3 चेन्स छोड़कर 4th चेन में हम डबल क्रोशिया बनाते हैं, तो वो 3 की जो चेन होती है वो 1 डबल क्रोशिया में काउंट हो जाती है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने 22 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हमने क्या करना है, ये देखिए, 1 2 3 3 चेन्स लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, और ये देखिए यहाँ पर इसके पास में हम नहीं बनाएंगे, सेम जगह पर नहीं बनाएंगे। ये देखिए नेक्स्ट वाली चेन जो है, ये देख पा रहे हैं आप, नेक्स्ट वाली जो चेन है इसमें हम बनाएंगे 2 टाइम डबल क्रोशिया। ये देखिए 1, और सेम प्लेस पर एक और बार बनाएंगे 2। बहुत ही प्यारी ड्रेस बनने वाली है ये, तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखें। ये देखिए, यहाँ पर हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया और नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम यहाँ पर जितनी भी चेन्स हैं हमारी, सब में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2-2 टाइम। और ये देखिए, जो लास्ट वाली चेन है हमारी, उसमें हम जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 टाइम बनाया है, ऐसे ही लास्ट वाली में 1 टाइम बनाएंगे। तो चलिए इस रो को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने अपनी 2nd रो को कंप्लीट कर लिया है। और ये देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 2 एंड 3 3 चेन्स लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, और यहाँ पर देखिए सेम प्लेस पर नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट वाली चेन में बनाएंगे। ये देखिए नेक्स्ट वाली चेन में बनाया हमने, और इसके बाद फिर से नेक्स्ट वाली चेन में बनाया। ये देखिए, और यहाँ पर 3 टाइम हमने बना लिया अलग अलग चेन में, और अब हमने बनाया है 4th चेन में। 4th चेन में हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने 2 टाइम बना लिया, ये देख रहे होंगे आप। 3 बार हमने अलग अलग चेन में बनाया है, और 4th चेन में हमने 2 बार बनाया है डबल क्रोशिया। अब हमने क्या करना है, 6 टाइम हम अलग अलग चेन में बनाएंगे, 5 and 6, और 7 नंबर वाली चेन में हमने 2 टाइम बनाना है, 1 and 2। ये देखिए, यहाँ पर हमने 6 बार अलग अलग लिया है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम हमने अलग अलग चेन में लिया है, और 7 नंबर वाली चेन में हमने 2 बार लिया है। तो इसी तरीके से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, 6 बार एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और 7 नंबर वाली चेन में 2 टाइम बनाएंगे। तो चलिए इस राउंड को इसी तरीके से कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने अपने ये 3rd रो भी कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे 4th रो। तो यहाँ पर 3 चेन्स लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, और सेम प्लेस पर ना बनाकर नेक्स्ट वाली चेन में बनाएंगे 1 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरीके से, यहाँ पर हमने पिछली वाली जो हमारी रो थी उसमें हमने
फोर्थ चेन में टू टाइम डबल क्रोशिया बनाया था। अब हमने क्या करना है, फिफ्थ वाली जो हमारी चेन है उसमें हमने टू टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद हम ये देखिए, वन टू थ्री फोर सॉरी फोर फाइव सिक्स सेवन। ये देखिए यहाँ पे हमने सेवन टाइम डबल क्रोशिया करा। अब हम एट्थ वाली चेन में टू टाइम करेंगे। अब हमने इसी सीक्वेंस में इसको कंप्लीट करना है। फोर्थ रो हमारी इसी सीक्वेंस में कंप्लीट होगी। यहाँ हमने एट टाइम डबल क्रोशिया लेना है, सॉरी सेवन टाइम डबल क्रोशिया लेना है अलग अलग चेन में, और एट्थ नंबर वाली चेन में टू टाइम डबल क्रोशिया लेना है। तो इसी तरीके से हमें अपना वर्क कंप्लीट करना है। ये देखिए यहाँ पर हमने अपनी फोर्थ रो भी कंप्लीट कर ली है। अब हम बढ़ेंगे फिफ्थ रो की तरफ। तो ये देखिए वन टू थ्री वर्क को कंप्लीट कर सॉरी वर्क को टर्न करेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया करना है। अब हम यहाँ पर सेवन चेन्स में डबल क्रोशिया कर लेंगे अलग अलग। ये देखिए फोर फाइव सिक्स सेवन। नेक्स्ट में हम एट नंबर वाली चेन में टू टाइम डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए अब हमें फिर से यहाँ पर सिंगल सिंगल टाइम लेना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। अभी देखिए यहाँ पर हमारा थर्टीन नंबर का डबल चेन आ गया। तो यहाँ पर हमने टू टाइम डबल क्रोशिया करना है। अब इसी सीक्वेंस में हमने इसमें करते जाना है। हम ट्वेल्व टाइम ट्वेल्व चेन में बनाएंगे और थर्टीन नंबर वाली चेन में टू टाइम बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो चलिए अपने वर्क को इसी तरीके से कंप्लीट करते हैं। ये देखिए सिक्स रो हमने और बना ली है इसमें, और सेम जैसे हमने फिफ्थ रो बनाई थी, हमने फिफ्थ रो में बढ़ाए थे फंदे, बट इसमें नहीं बढ़ेंगे। जितना हमने इसमें फंदे लिए थे सेम उन्हीं के ऊपर हम एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके की शेप आ जाएगी, और शेप हमारी इस तरीके से आनी है। तो अब देखिए अब हम आर्म होल निकालेंगे इसमें से। ये देखिए इस तरीके का कुछ शेप आएगा। अब आर्म होल वाला हमारा रो आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिक्स रो को हमने कुछ भी घटाना नहीं है बढ़ाना नहीं है, सेम जितने स्टिचेस हमारे फिफ्थ रो में हैं सेम उन्हीं के ऊपर बना लेने हैं। तो अब ये देखिए वन टू थ्री वर्क को टर्न करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। ये देखिए यहाँ हम एट टाइम डबल क्रोशिया करेंगे, थ्री फोर फाइव
सिक्स सेवन एट। ये देखिए यहाँ पर हमने एट टाइम डबल क्रोशिया कर लिया। अब हमें क्या करना है, आर्म होल निकालना है। तो हमने यहाँ कितनी चेन छोड़नी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन। थर्टीन चेन हम स्किप करेंगे और फोर्टीन नंबर की चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पर हम डालकर इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा हमारा। अब हमारे यहाँ पर देखिए एट डबल क्रोशिया थे फ्रंट में। ये देखिए फ्रंट में हमारे एट थे, तो यहाँ भी हमें एट ही लाने हैं लास्ट में। तो अब हम बीच में सिक्सटीन बनाएंगे। तो यहाँ पर एक तो हमने जो जॉइन किया वो वाला हमारा आ गया फोर्टीन नंबर की चेन में। अब यहाँ पर हमने सिक्सटीन डबल क्रोशिया करने हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने 16 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हमने यहाँ से फिर से 13 चेन स्किप करनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, और 14 नंबर की चेन में फिर से हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए अब यहाँ पर फिर से हमारे पास एट डबल क्रोशिया आ जाएंगे। देखिए थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। इस तरीके से हमारे पास ये इस तरीके का पैटर्न कुछ बन के आया है। ये देखिए अब हमने क्या करना है, जितनी बार हमने यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर फ्रंट में हमारे एट और एट इधर हैं सिक्सटीन, और बैक में भी हमारे सिक्सटीन हैं, तो 32 हमारे पास डबल क्रोशिया हो गए। तो अब हमने क्या करना है, इन 32 डबल क्रोशियाज पर एक रो हमें और बना लेनी है ताकि हमारी एट रो कंप्लीट हो जाए। तो चलिए हम एक रो और बना लेते हैं, हमें कोई भी स्टिच बढ़ाना नहीं है घटाना नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सारे में बना लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये पैटर्न बन के आया है। अगर आप चाहें तो आप यहीं से क्लोज कर सकते हैं इसको, अगर आपको दूसरा कलर लगाना है, और अगर आपको यही आगे बढ़ाना है तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे, क्योंकि मुझे ये ड्रेस कंप्लीट करना है यहाँ पर। तो चलिए जब हम छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए यानी पाँच नंबर तक के लड्डू गोपाल जी के लिए चोली बनाते हैं और घेरा स्टार्ट करते हैं, तो हमें ये देखिए हमें हर एक चेन में टू टू टाइम करना पड़ता है डबल क्रोशिया। बट अगर हम फाइव नंबर से ऊपर की जब बनाते हैं लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस, तो हमें ये देखिए पहले में वन टाइम, सेकंड वाले में ये देखिए यहाँ पर नहीं बनाएंगे सेम प्लेस पर, सेकंड वाले में टू टाइम, या फिर आप यहाँ सेम प्लेस पर भी बना सकते हैं, बट यहाँ पर मैं नहीं बनाती हूँ मोस्टली। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर वन टाइम, यहाँ पर टू टाइम, इसी तरीके से इस रो को बनाएंगे और उसके बाद जॉइन करेंगे, ताकि यहाँ पर से जब हम लड्डू गोपाल जी को पहनाते हैं, बंद वाली जो ड्रेसेस होती हैं वो थोड़ा सा टाइट लगती हैं पहनाने में, तो इसलिए हम यहाँ पर एक रो और बनाएंगे, उसके बाद इसको जॉइंट करेंगे ताकि उनको पहनाने में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसी सीक्वेंस में पूरे राउंड को कंप्लीट करना है, एक में एक बार और दूसरे में दो बार, फिर एक बार फिर दो बार, इसी तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे रो को। अब ये देखिए यहाँ पर हमने ये रो बना ली है,
ये देखिए कुछ इस तरीके से आया है इसका पैटर्न। अब हम यहाँ पर इसको जॉइन कर लेंगे। ये देखिए ये जो थर्ड वाली चेन है हमारी, ये देखिए यहाँ पर हम इसको जॉइन करेंगे। इस तरीके से अब हमने क्या करना है, एक चेन लेनी है और स्लिप स्टिच करते हुए, थोड़े लूज़ हाथ से आप करेंगे, स्लिप स्टिच करते हुए आर्म होल के साइड में आ जाना है। ये देखिए इस तरीके से हम स्लिप स्टिच करते हुए आएंगे और यहाँ तक हम स्लिप स्टिच कर लेंगे आर्म होल तक। ये देखिए यहाँ पे हम आर्म होल तक आ गए हैं। अब हमें यहाँ पर अपने राउंड को आगे बढ़ाना है, तो हमने क्या करना है, ये देखिए 1 2 3 नेक्स्ट में ले जाकर फिर से हम 2 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे। इस वाली रो में भी हमने इसी तरीके से एक बार एक डबल क्रोशिया और दूसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया ये करना है। तो इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में हम इसमें भी इस रो को कंप्लीट करेंगे, एक बार एक डबल क्रोशिया और दूसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से ये हमारा राउंड थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपको जितना भी बड़ा बनाना है आप बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, क्योंकि फिर हम वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो हम डिज़ाइन भी बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर आपको जितना भी बड़ा लेना हो उतना आप बना सकते हैं राउंड को। यहाँ पे हमने एक बार एक डबल क्रोशिया, दूसरी बार दूसरा 2 बार डबल क्रोशिया लिया है चैन में। अब नेक्स्ट रो जो हम बनाएंगे उसमें हम 2 बार एक एक चेन में लेंगे डबल क्रोशिया और तीसरी बार जो डबल क्रोशिया लेंगे हम वो 2 लेंगे तीसरी चेन में। फिर इसी तरीके से 4th चेन में लेंगे नेक्स्ट रो में। तो जितना भी बड़ा आपको घेरा बनाना है उतना आप इस तरीके से बना सकते हैं। हमें सेम राउंड किसी बार नहीं करना है, क्योंकि अगर आप किसी भी बार सेम राउंड कर देते हैं तो वहाँ पर ड्रेस में खिंचाव आ जाता है। तो चलिए यहाँ पे मैं 8 नंबर की ड्रेस बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 4 राउंड बनाऊँगी या 5 राउंड बनाऊँगी। तो चलिए मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने, ये देखिए 1 2 3 4 5 5 रोज कंप्लीट कर ली हैं और जो हमने लास्ट रो बनाई है वो सिंगल क्रोशिया की बनाई है। अब हम यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम नेक्स्ट कलर ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट कलर हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है वाइट। तो इसको हम कट नहीं करेंगे, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, बट इसको क्योंकि बाद में भी मुझे इसका काम है तो इसलिए मैं ये कट नहीं करूँगी और यहीं से वाइट कलर इसमें ज्वाइन करूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम इसको लूप में लेंगे और ये देखिए इसको पीछे नॉट लगाकर सिक्योर कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इसको नॉट लगा ली है और अब हम इसको अच्छे से खींच देंगे धागे को पीछे। अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो हमने यहाँ पर लूप लिया है इसको हमने यहाँ पर 10 चेन्स बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। यहाँ पे हमने 10 चेन्स ले ली हैं और सेम प्लेस पर, ये देखिए यहाँ पर ये जो प्लेस है सेम प्लेस पर हम इसको जॉइन कर लेंगे। देखिए सेम प्लेस पर हमने इसको जॉइन कर लेना है। ये
ये देखिए हमने 10 चेन्स बनाई और वर्क को इस तरीके से टर्न किया। इसके बाद हमने इसको यहाँ से जहाँ पे हमने अभी चेन बनाई थी, ये देखिए सॉरी सेम प्लेस पर से इसको हम पीछे ले लेंगे धागे को अच्छे से, और यहाँ पर अच्छे से इसको ये देखिए इस तरीके से निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 थ्री चेन्स लेनी है, वापस से वर्क को टर्न करना है। ये देखिए वापस से हम वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो हमने 10 चेन्स ली थी इसी के अंदर हमने यहाँ पर 10 टाइम डबल क्रोशिया करना है एक साइड में। ये देखिए पहले हम 10 टाइम डबल क्रोशिया कर लेंगे यहाँ। ये देखिए एक तो हमारी 3 की चेन थी और फिर हमने यहाँ पर देखिए इसी तरीके से हम यहाँ पर 10 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरफ भी हमने इसी तरीके से 10 टाइम डबल क्रोशिया कर लिया है और ये देखिए कुछ लीफ वाला पैटर्न आया है हमारा इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हम इसको ले जाकर जॉइन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ले जाकर इसको हमने जॉइन कर देना है और एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अभी देखिए इस तरीके का कुछ पैटर्न आया हमारा। अब हमने क्या करना है, 1 2 3 4 5 ये देखिए 5 चेन्स ले ली हमने। अभी देखिए यहाँ से हम स्किप करेंगे 1 2 3 4 5 और 6th वाली चेन में ले जाकर इसको ज्वाइन करेंगे। जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरीके से हमें वापस से बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 हमने 10 चेन्स ली, वर्क को टर्न किया, सेम प्लेस पर वापस से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमने क्या करना है, 1 2 3 थ्री चेन्स लेनी है और वापस से वर्क को टर्न करना है। अब जैसे हमने पहले लीफ बनाई थी सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी बनानी है। तो हम यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन लेंगे, उसके बाद फिर से 10 डबल क्रोशिया करेंगे और इसी तरीके से हमें जैसे हमने यहाँ पर किया था बीच में 5 चेन्स ली थी इसी तरीके से हमें इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। ये देखिए पूरा जो राउंड आएगा हमारा ये इसी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए ये कर लेते हैं हम। ये देखिए यहाँ हमने इस तरीके से ये पेटल्स बनाकर कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा लुक आ रहा है इसका अभी भी। अगर आप इस तरीके से भी रखना चाहते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं ड्रेस को, बट यहाँ हमें और वर्क करना है, और भी ज़्यादा सुंदर बनाना है इस ड्रेस को। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये वर्क आप देख सकते हैं, चारों तरफ हमने ये पेटल्स बना ली हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है आगे के वर्क के लिए, हमने ये देखिए यहाँ से हम साइड से किसी भी पेटल को ले लेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो हमारा लूप दिखाई दे रहा है, 2 की जो चैन ली थी हमने बीच में, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ये ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पर हमने 1 2 3 थ्री चेन्स लेंगे, वापस से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर 2 चेन्स लेंगे और फिर से 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यहाँ हमने ये देखिए इस तरीके से हमारा ये वर्क आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से बैक पोस्ट बनाना है। तो ये देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे,
लूप लेंगे और ये देखिए पीछे से ये धागा जो है इसको साइड कर देंगे। और यहाँ देखिए थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पर जो ये आप देख रहे होंगे, ये देखिए इस तरीके से जो हमारा डबल क्रोशिया है तो यहाँ पे हम बैक पोस्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से पीछे की साइड से लेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया, सॉरी यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना देना है। वापस से मैं आपको एक बार और करके दिखाती हूँ। देखिए ये नेक्स्ट वाला जो है हमारा, ये देखिए इस तरीके से लूप लेंगे और ये देखिए जो नेक्स्ट में है डबल क्रोशिया उसको उठाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से निकालेंगे। हमें बैक पोस्ट बनाना है, फ्रंट पोस्ट नहीं बनाना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये वर्क आएगा हमारा। अभी थोड़ा सा और मैं आपको करके दिखाती हूँ तब ये थोड़ा सा अच्छे से मालूम पड़ेगा। यहाँ देखिए फिर से हमने लेना है और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया में लेकर फिर से इसको इस तरीके से निकाल देना है। तीन लूप आ गए हैं, एक बार में दो निकालेंगे, दूसरी बार में निकालेंगे। इसी तरीके से ये जितने भी हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर जितने भी हमने 10 डबल क्रोशिया बनाए थे तो हमें सभी में से बैक पोस्ट बनाना है। ये देखिए इस तरीके से इसको पीछे से लेते जाएंगे। आप चाहें तो इस तरीके से भी मोड़ कर ले सकते हैं या फिर जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से आ जाएंगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का वर्क दिखाई देगा ये हमारा, अभी कंप्लीट नहीं है। ये देखिए इस तरीके से देखा तो हम यहाँ तक इसी तरीके से बैक पोस्ट करेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए यहाँ पर जो हमने 10 क्रोशियाज लिए थे डबल क्रोशिया उसमें हमने के पीछे, ये देखिए यहाँ बैक साइड से बना लिया है इसको। अब हमने क्या करना है, अभी देखिए यहाँ पर जो हमने चेन्स ली थी 5 चेन्स ली थी और नीचे हमने 6 छोड़ी थी, तो थर्ड वाली चेन में ये देखिए 1 2 3 थर्ड वाली चेन में हमने ले जाकर इसको इस तरीके से उठाना है दोनों लूप्स को और निकाल कर सिंगल क्रोशिया बना देना है। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर जॉइंट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अभी देखिए यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट लूप है, ये देखिए फर्स्ट लूप जो है वहाँ पर ले जाकर हमें डबल क्रोशिया कर देना है। डबल क्रोशिया करेंगे। अब हमने क्या करना है, ये फर्स्ट चेन थी हमारी इसलिए हमने इसमें किया है। अब सभी में हमने ये देखिए बैक पोस्ट बनाना है जैसे हमने उस वाले में बनाया था वैसे ही। ये देखिए यहाँ पर से हम लेंगे, ये देखिए इस तरीके से हमने फिर से डबल क्रोशिया को उठाना है और बैक पोस्ट बना देना है। ये देखिए एक बार निकालेंगे फिर दूसरी बार निकालेंगे, फिर इसी तरीके से हमें वन टाइम तो हमने कर लिया और एक हमारा ये थ्री की चेन हो गई, टू टाइम हो गया। अब हमने थर्ड टाइम करना है, देखिए यहाँ पे फोर्थ टाइम, एंड यहाँ पर फिफ्थ टाइम। ये 5 टाइम हमने कर लिया। अब हम इसको थोड़ा सा खींच देंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ से देखिए
यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 ये फिफ्थ वाली जो चेन है इसको उठाएंगे और ये देखिए इसको इसमें डालेंगे और अब हम यहाँ इनको जॉइन कर देंगे ताकि ये हमारी जो पेटल्स हैं वो अलग अलग नज़र ना आए। ये देखिए इस तरीके से ये जॉइंट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, वापस से वही प्रोसीज़र, लूप लेना है और बैक पोस्ट बनाना है। ये देखिए इस तरीके से कुछ ये आएगा हमारा वर्क जुड़ा हुआ। अब चलिए हम यहाँ तक अपने वर्क को करते हैं कंप्लीट, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमने फिर से यहाँ तक अपना बैक पोस्ट बना लिया है। फिर से लूप लेंगे और जो हमारी ये टू की चेन्स थी उसमें हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 2 टाइम्स करेंगे, 2 चेन्स लेंगे, सेम प्लेस पर 2 टाइम डबल क्रोशिया करना है हमें। वापस से हमें लूप लेना है और फिर से हमें यहीं से स्टार्ट करना है। ये देखिए फर्स्ट वाली, ये देखिए फर्स्ट वाली जो चेन है यहीं से हमें स्टार्ट करना है वापस से। बैक पोस्ट बनाएंगे, इसी तरीके से यहाँ तक हम बैक पोस्ट बनाते हुए आएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके का लुक आएगा पेटल का, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए इस तरीके से आएगा, ये पूरी पेटल हमारी बन गई है। अब हमने क्या करना है वापस से, ये देखिए यहाँ पर हमने वाइट कलर से 5 चेन ली थी और नीचे से हमने 6 चेन, तो यहाँ पर 3rd वाली चेन जो है हमारी इसमें हम ले जाकर इसको फिर से जॉइन कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, ये देखिए वापस से यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट वाली चेन डबल क्रोशिया थी उसमें हमने ले जाकर एक बार डबल क्रोशिया बना देना है ताकि ये यहाँ से भी हमारा जॉइंट हो जाए नीचे से भी। अब हमने क्या करना है, फिर से हमें 4 टाइम और बैक पोस्ट बनाना है, फिर मैं आपको एक और बार इसको जॉइंट करना बताती हूँ। ये देखिए यहाँ हमने 5 बार बैक पोस्ट बना ली है। अब हमने यहाँ से भी 1 2 3 4 5 हमने डबल क्रोशिया काउंट करके, ये देखिए 5th नंबर की चेन में इसको क्रोशिया को डालना है और ये वाला जो लूप है हमें इसमें से निकाल देना है। फिर से हमें बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना होता है। ये देखिए फिर से हमने बस लूप लिया और वापस से हमने बैक पोस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए इस तरीके से हम इसको बनाते जाएंगे और ये सारी जो पेटल्स हैं हमारी इसी तरीके से जॉइंट होती जाएंगी। थोड़ा सा मैं लुक दिखाती हूँ आपको, ये इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से ये हमारी पेटल्स जॉइन होंगी, बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो चलिए हम इस तरीके से अपनी सारी पेटल्स को जॉइन कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा लुक आया है हमारी इस ड्रेस का, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये पेटल्स कंप्लीट हुई हैं। तो अगर आप 5 या 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो केवल इतना भी रख सकते हैं, अंदर वाली भी आप 1 रो कम कर सकते हैं और पेटल्स थोड़ा सा और अंदर की साइड बना सकते हैं। और अगर आप बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो आप या तो इस घेरे को बड़ा बनाएं फिर इसको यहाँ पर डेकोरेट कर दें फ्लावर्स वगैरह लगा के, या फिर आप ये पेटल्स जो हैं उनको, जैसे इसमें मैंने डबल बनानी है तो उसमें आप ट्रिपल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे।
तो हमें वापस से वही चीज़ करनी है जिस तरीके से हमने पहले ये अंदर वाइट वाली पेटल बनाई थी उसके ऊपर हमने ये वाला वर्क किया था। जो हमारा अनियन कलर है उसका हमने वर्क किया था, इसी तरीके से हमने अब दोबारा से करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हम करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो हमने फाइव डबल क्रोशिया के बाद हमने इसको ज्वाइन किया था, तो जिस जगह पर हमने ज्वाइन किया था उसी जगह पर हम यहाँ पर ऊन को ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, और इधर वाली साइड में ज्वाइन करेंगे, इधर वाली में नहीं करेंगे क्योंकि हमें वापस से राइट साइड में ही आना होता है। तो चलिए ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। थोड़ी सी बड़ी बनानी है हमें, इस वाली पेटल से थोड़ी सी बड़ी बनानी है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, टर्न करेंगे वर्क को, और ये देखिए सेम इसी वाली जगह पर, ये देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये वाली जगह, ये देखिए यहाँ पर ले जाकर हम इसको ज्वाइन कर देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। अब देखिए 1 2 3, सेम प्रोसीजर वही आएगा जो हमने पहले किया था पेटल बनाने के लिए। पहले हमने वाइट बनाई थी, फिर उसके ऊपर हमने दूसरे वाले कलर से वर्क किया था। तो ये देखिए सेम वही प्रोसीजर आ गया। अब यहाँ हमने 12 चेन ली हैं, तो यहाँ हम 12 डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए एक हमने 3 की चेन ले ली थी, इस तरीके से यहाँ पर हम 12 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने 12 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें फिर से 2 चेन लेनी है और वापस से सेम प्लेस पर ही 12 डबल क्रोशिया करने हैं। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। काउंट करते जाएंगे तो यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने 12 चेन्स बना लिए हैं, कुछ इसी तरीके का पेटल हमने पहले बनाया था। तो अब ये देखिए यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हम इसको ले जाकर ज्वाइन कर देंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरीके से कुछ हमारी पेटल आएगी बनकर। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 चेन्स लेंगे। और ये देखिए ये वाला जो हमने 2 चेन का गैप लिया था इसको हम इस तरीके से पलटेंगे और ये देखिए यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देंगे, फिर इसको हम ऐसे करके सीधा करेंगे। ये वाली जो हमने यहाँ पर चेन ली थी यहाँ पर देखिए इस जगह पर हम इसको ज्वाइन करेंगे पलट कर, फिर 1 2 3 4 5 चेन्स लेंगे वापस से। और ये देखिए अब यहाँ हम उसी जॉइंट पर आ गए जहाँ हमने पहले 5 डबल क्रोशिया के पास लिया था। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया लिया, फिर से 12 चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वर्क को टर्न करेंगे और ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा पीछे से वर्क हमारा। और ये देखिए यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा नीचे करेंगे और यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर देंगे सेम प्लेस पर। अब 1 2 3 चेन्स लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और ये देखिए जो हमारे ये 12 चेन हमने ली हैं उसके अंदर हमने वापस से 24 टाइम डबल क्रोशिया करना है। 12 के बाद हम 2 चेन लेंगे,
उसके बाद फिर से 12 बनाएंगे और फिर से देखिए इसी तरीके से जैसे हमने अभी ये वाला आपको बताया था करना, इसी तरीके से हम पूरे में करते जाएंगे। बहुत इजी है, तो आप इस तरीके से इस वर्क को, इस राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमने ये ऊपर वाली रो में भी ये सब बना लिए हैं। अब हमने सेम प्रोसीजर रिपीट करना है जैसे हमने इसके ऊपर, ये देखिए यहाँ पर आउटलाइन की थी ऑनियन कलर से, ऐसे ही हम इनके ऊपर भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, मैंने पीछे वाले से शुरू कर लिया है। बट आप देखिए जब आपका पहला राउंड कंप्लीट हो जाए, ये वाला जो हमने वाइट वाला ये बनाया था पेटल, इसका राउंड कंप्लीट हो जाए तो आप इस जगह पर से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है, दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन लेंगे और वापस से इसी जगह पर डालकर दो बार और डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा। अब हमने क्या करना है, जैसे हमने फर्स्ट राउंड में वाइट पेटल पे किया था उसी तरीके से लूप लेंगे और ये देखिए इसको इस तरीके से पीछे की साइड से घुमा लेंगे। यहाँ से एक डबल क्रोशिया उठाएंगे, बैक पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए तीन फंदे आ गए, दो को निकाला, दो को निकाला। फिर वापस से हमें क्या करना है, फिर से बैक पोस्ट करनी है। तो हमारे पास जो ये 12 डबल क्रोशिया हैं उनमें हमने बैक पोस्ट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से कुछ वर्क आएगा हमारा ये। तो ये हम यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया के पीछे बैक पोस्ट बना लेंगे। ये देखिए यहाँ हमने इस तरीके से ये 12 डबल क्रोशिया बना लिए हैं बैक पोस्ट करके। और अब हमने क्या करना है, जो हमने ये 5 की चेन ली थी ये देखिए पीछे, और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो ये देखिए इसी वाले सिंगल क्रोशिया में हमने ले जाकर सिंगल क्रोशिया कर देना है। पहले हमने जो 5 चेन ली थी उसमें थर्ड चेन में किया था, और अब हमने ये 5 इधर ली थी, 5 इधर ली थी और बीच में सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो अब हमें सेम प्लेस पर सिंगल क्रोशिया में ही सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए ये जो हमारी पेटल है ये देखिए, तो हमने पहले जैसे जॉइन किया था थोड़ा सा अलग है उससे, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पर हमने सेकेंड वाले में बनाना है, इसको पीछे मोड़ लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से, सॉरी ये देखिए यहाँ पर हमने लिया इस तरीके से बनाया 2। अब यहाँ पर हम 5 टाइम कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने 5 टाइम डबल क्रोश बैक पोस्ट बना लिया है, 1 2 3 4 5। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी आगे वाली पेटल है इसका जो हमारा मिडल था, यहाँ से हम इसको क्रोशिया हुक में लेंगे। अब यहाँ से हम 5 चेन काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। 5 नंबर की चेन में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे, फिर इस लूप को इस तरीके से निकाल लेंगे, इस पूरे लूप को हमने यहाँ आगे तक ले आना है ताकि ये पेटल हमारी इसमें जॉइन हो जाए। ये देखिए इस तरीके से ले लिया हमने, कुछ भी नहीं करना है हमें, ना यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है, ना स्लिप स्टिच बनाना है, कुछ भी नहीं करना है। वापस से हमने
ये देखिए आगे वाले डबल क्रोशिया में बैक पोस्ट बना देना है। देखिए इसी तरीके से हम आगे तक ये देखिए बनाते चले जाएंगे कि कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा वर्क हमारा। ये देखिए ये पेटल यहाँ पर हमारी ज्वाइन हो गई है। देखिए तो यहाँ तक हम अपने वर्क को लाते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए यहाँ पर हम बैक पोस्ट करते हुए फिर से मेडल में आ गए हैं। यहाँ पर फिर से हमें 2 टाइम डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 टाइम डबल क्रोशिया, देखिए इस तरीके से कर देना है। वापस से जितने भी हैं ये हमारे डबल क्रोशिया, सब में वापस से हमने बैक पोस्ट बनाना है। इसमें हमें पीछे से उठाना होता है डबल क्रोशिया को, जैसे हम फ्रंट पोस्ट में आगे से उठाते हैं और इसमें हमें बैक पोस्ट में पीछे से उठाना होता है। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसको मोड़ लीजिए और फटाफट से करते जाइए। तो यहाँ पर हमें पूरे जो हमारे 12 डबल क्रोशिया हैं यहाँ पर हमें बैक पोस्ट कर लेना है। तो चलिए कर लेते हैं ये। ये देखिए कुछ ये इस तरीके का वर्क हमारा आएगा, देख पा रहे होंगे आप। ये देखिए ये जॉइन हो जाएगी यहाँ पर लीफ हमारी है। ये देखिए अब वापस से हमें क्या करना है, हमने बैक पोस्ट कर लिया है, वापस से हमें पीछे इसको घुमाना है। यहाँ पर जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया था वापस से इसी में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। और ये देखिए ये वाली पेटल हम नेक्स्ट वाली जो है इसको आगे घुमाकर इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पर 1 हो गया ये हमारा, 2, 3, 4, 5 4 टाइम और हम बैक पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने 5 टाइम बैक पोस्ट बना लिया है। फिर से एक बार और देख लीजिए हमें किस तरीके से इसको ज्वाइन करना है। सबसे पहले हम क्रोशिया हुक को इसमें से निकाल लेंगे, थोड़ा सा इसको लंबा छोड़कर। अब यहाँ पर जहाँ पर हमने 2 चेन्स छोड़ी थी वहाँ पर से हम लेंगे, और ये देखिए ये वाली जो लीफ है हमारी साइड वाली, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 नंबर की चेन में ले जाएंगे और इसको यहाँ से पिक करेंगे। और अब हम इसको निकालते हुए ले आएंगे बाहर, तो ये यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगी जैसे हमारी ये वाली हुई थी, इसी तरीके से ये ज्वाइन हो जाएगी। फिर वापस से हमें कुछ भी नहीं करना है, ना सिंगल क्रोशिया ना स्लिप स्टिच, वापस से इसको लूप को लेंगे और आगे जो डबल क्रोशिया है हमारा उसमें हम बैक पोस्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, मैंने 2 टाइम ये आपको करके बता दिया है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से वर्क आ जाएगा हमारा ये, और बहुत प्यारी लगने वाली है ड्रेस बनके। तो चलिए हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके का लुक आएगा हमारा, ये देखिए ड्रेस का आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी सी लग रही है पेटल्स कंप्लीट होने के बाद। अब ये देखिए यहाँ पर जो हमारी ये देखिए लास्ट वाली रो थी, ये देखिए मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, ये वाली जो रो थी यहाँ पर लास्ट वाली, अब इसमें हमने वर्क करना है। तो चलिए अब यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ, और उसके बाद हम अगर आप चाहें तो अगर आपको बाजू बनानी है तो आप बना सकते हैं, और अगर आपको बाजू नहीं बनानी है बड़ी तो फिर आप इतना ही रख सकते हैं और इस पर वाइट कलर से किनारी कर सकते हैं। यहाँ मैंने इस जगह पर किनारी कर ली है, और यहाँ पर हम पूरी बाजू का ही बनाएंगे ठाकुर जी के लिए। तो यहाँ पर हमें 4-4 रोज करनी है। तो चलिए मैं आपको ये करके बताती हूँ।
ये देखिए अब हम इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ साइड से ही, मैंने सब कुछ यहाँ साइड से ही स्टार्ट किया है तो मैं यहीं से करूँगी। यहाँ पे क्रोशिया हुक पर हम फंदा ले लेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से जो आपको ये यहाँ पर देखिए चेन दिखाई दे रही होगी, देखिए यहाँ पर ये जो चेन है इसमें ले जाकर हम इसको जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमें इसको धागे को हम बाद में कट कर देंगे। ये देखिए 1 2 3 3 चेन्स ली, वापस से हमने डबल क्रोशिया डाला, वापस से डालेंगे, यहाँ हम 4 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए वापस हमने कर लिया, देखिए कुछ इस तरीके से ये बन के आएगा हमारा। अब ये देखिए नेक्स्ट वाले में यहाँ पर हम ले जाकर इसको इधर ले जाकर सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे, फिर से 1 2 3 3 चेन्स बनाएंगे और यहीं पे हम 3 टाइम्स और डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से वर्क आएगा ये हमारा। अब हमने ये देखिए नेक्स्ट वाली जो पेटल है इसके यहाँ पे हमारी 2 चेन है तो पहली वाली में हम ज्वाइन करेंगे और उसी में हमने ये देखिए इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाने हैं। हर एक पेटल में 2-2 चेन्स आप देख सकते हैं। ये देखिए पेटल में देखिए यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, इधर इस तरीके से यहाँ पे सब में 2-2 हैं। तो आपने पहली वाली में वर्क करना है और सेकंड वाली को स्किप करना है। तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, वो सॉरी 3 चेन्स हो गई, 2 3 एंड 4। ये देखिए यहाँ पर एक और चेन है, उसको हम यहाँ पर जो एक और चेन आपको दिखाई दे रही है उसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में ले जाकर इसको जॉइन कर देंगे, सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर से 1 2। इसी तरीके से हमने इस पूरे वर्क को कंप्लीट करना है। कुछ इस तरीके का वर्क आएगा ये हमारा, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का वर्क आएगा हमारा। तो ये हमारी पेटल देखिए इस तरीके से इस पर आएगी। तो चलिए ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से कुछ ये वर्क आ गया है हमारा लीफ वाला। ये देखिए इसके ऊपर जो हमने 4-4 डबल क्रोशिया बनाकर बनाया था, तो ये इस तरीके से बहुत सुंदर सा नज़र आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर मैंने एक बाजू बना ली है, मैं दूसरी आपको बनाकर बताती हूँ कि हमने कैसे बनानी है। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये देख रहे होंगे आप इस तरीके से जहाँ पर हम ये डबल क्रोशिया होता है हमारा, ये देखिए ये वाला सबसे पहले हम यहाँ पर से जॉइन करेंगे बोल को। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर लिया स्लिप स्टिच करके, 1 2 3 3 चेन्स लेंगे। और ये देखिए ये जो जस्ट इसके बराबर वाला होता है, ये देखिए ये वाला जो होता है इसमें नहीं लेंगे, जो चेन है हमारी इसमें हम वर्क करेंगे। तो नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया, जितनी भी चेन है हमारे पास सब में हम डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से सब में डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगर आप काउंट करना चाहें आप काउंट भी कर सकते हैं।
बट अगर आप अच्छे से तरीके से करते हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हमें काउंट करना पड़े, क्योंकि दोनों साइड हमारे बराबर ही होते हैं। तो यहाँ पर हमने 13 चेन स्किप की थी, तो यहाँ पर हमारे 13 ही डबल क्रोशिया आने चाहिए। देखिए इस तरीके से वर्क करते हुए हम आएंगे। ये देखिए वर्क के एंड में आ गए हैं हम, और ये देखिए फिर से हमारे पास ये एक डबल क्रोशिया लास्ट में जो है, तो इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा इधर वाला डबल क्रोशिया हमने बनाया था, ये देखिए यहाँ पर, तो हम इसकी थर्ड चेन में नहीं जोड़ेंगे, इसको हम नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है उसमें ले जाकर जॉइन करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है उसमें ले जाकर हम इसको जॉइन करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से बिना घटाए ही हमारी एक एक चेन घटती चली जाएगी। फिर से हमने इसी तरीके से करना है, इसी तरीके से हम दो राउंड और बना लेंगे। तो चलिए ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने 1 2 3 रोज बना ली हैं। अब हम यहाँ सिंगल क्रोशिया की रो बनाएंगे। अगर आप चाहें तो डबल क्रोशिया की रो भी बना सकते हैं, बट मुझे यहाँ ज़्यादा बड़ी बाजू नहीं रखनी है। तो देखिए जहाँ से हमने ये कट किया था वहीं से हम इसको जॉइन करेंगे। और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर इस वाले धागे को पीछे कर लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इसको हमने इसी में लेते जाना है पीछे से सिक्योर करते हुए, और सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम लेते जाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से कुछ वर्क आएगा ये हमारा। आप चाहें तो हाफ डबल क्रोशिया की भी रो कर सकते हैं, डबल क्रोशिया की भी कर सकते हैं अगर आपको और बड़ी बाजू चाहिए, बट मुझे यहाँ ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया की रो की है। ये देखिए यहाँ तक हम इसको लेते आएंगे। देखिए इस तरीके से अब यहाँ पर ले जाकर हमें, ये देखिए यहाँ पर ले जाकर इसको जॉइन कर देना है। स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन लेंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे। और यहाँ पर देखिए इसको टाइट करने के बाद इसको हम अंदर की साइड एडजस्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से अंदर को निकाल देंगे और यहाँ पर एक और बार इसको निकालेंगे जहाँ पे हमने ये जॉइन किया था। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा वूल होगी उसको हम कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने निकाल लिया है और जो भी हमारी ये एक्स्ट्रा वूल है इसको हमने कट कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनकर रेडी हुई है हमारी। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका लुक फाइनल। अगर आप चाहें तो इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर क्रोशिया वाले फ्लावर्स भी बना के लगा सकते हैं, जो यहाँ वाला ये वाला जो खाली जगह है यहाँ पर बना सकते हैं फ्लावर्स। ये देखिए ये ड्रेस का फाइनल लुक आप देख सकते हैं।
देखिए बाजू भी यहाँ पर प्रॉपर बन चुकी हैं। और ये देखिए इस तरीके से जैसे सनफ्लावर होता है उस टाइप का लुक आया है ड्रेस का। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ बनी हुई है। यहाँ पे मैंने डोरी डाल दी है ताकि आप जितना भी चाहें लड्डू की कमर में एडजस्ट कर सकें। ये देखिए, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरी कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।